हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों, आप कोई भी जैसे फोल्डर हो उसमें दोस्तों आपको नाम कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये फोल्डर यहाँ पे लिया, अब दोस्तों इसमें हम नाम कैसे चेंज करते हैं। तो अगर ये फोल्डर दोस्तों आपको बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने फोल्डर बनाना बताया है। अब दोस्तों या तो इसको यहाँ पर फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, लेकिन दोस्तों डबल क्लिक जो है वो कंटिन्यू नहीं करना है। एक क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको क्लिक करना। जैसे एक बार क्लिक किया और फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ से बैक स्पेस करके यहाँ से कुछ भी इसमें नाम ऐड कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ से सेव हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम मान लिया कि डबल क्लिक करने पर अगर मान लिया नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको अपना माउस को यहाँ पर राइट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रीनेम का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बैक स्पेस दबा के ये पूरा यहाँ से इसको क्लीन करके यहाँ से आप दूसरा कोई भी नाम जैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से इतना लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों इंटर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं हमारा जो फोल्डर में नाम है वो चेंज हो चुका है। ये दोस्तों डेस्कटॉप पे ऐसे होता है। और अगर आप फाइल लोकल डिस्क EDC जो भी दोस्तों आप यूज करते होंगे, जो भी आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में होगा, उसमें दोस्तों भी आपको सेम वैसे ही करना है। जैसे कोई भी फोल्डर का नाम हो, जैसे न्यू फोल्डर 2 है, अब इसको या तो आप डबल क्लिक करके कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से दोस्तों आपको रीनेम पे क्लिक करना है। और रीनेम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपना नाम डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ भी ऐसे करके यहाँ से इंटर जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फोल्डर का नाम है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से चाहे दोस्तों आप फोल्डर का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।